नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्य पे सत्ता में। मैं हूँ आपके साथ प्राची पाराशर। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलने की सबसे बड़ी वजह है इंसान से इंसान में होने वाला वायरस का संक्रमण। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन अब जबकि तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं, तो प्रयागराज के एक शख्स ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का नायाब तरीका निकाला। देखिए प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट। इन दिनों ना तो भीषण गर्मी पड़ रही है और ना तीखी धूप निकल रही है, फिर भी सिर पर छाता ताने खड़े लोगों की ये तस्वीर प्रयागराज की, जहां के राधापुर इलाके में सरकारी राशन की एक दुकान पर इन दिनों राशन के लिए झोले के साथ छाता लाना भी बेहद जरूरी है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज के राजापुर इलाके में सरकारी कोटेदार वसीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ये दिलचस्प तरीका निकाला है और झोले के साथ ग्राहकों के लिए छाता साथ लाना जरूरी कर दिया, क्योंकि लोग छाता खोलकर कतार में खड़े रहेंगे तो छाते के दायरे के बराबर दूरी होने से सोशल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद कायम हो जाएगी। ये तरीका इस तरीके से दिमाग में आया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप लोग 2 गज की दूरी बना के रखिए, तो इसीलिए दिमाग में आया कि हम भी कंट्रोल की दुकान पे 100-150 लोग रोज आते हैं, तो छाता मंगवा के उनसे ये कहा कि भैया आप लोग छाता लगा के 2 गज की दूरी बना के रखिए, जिससे आप भी सेफ रहें, आगे पीछे आगे वाला भी सेफ रहे। वसीम अहमद की अनोखी पहल राशन की दुकान पर आने वाले लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि छाता खोलकर कतार में लगने से वो कोरोना के खतरे से भी बचे रहते हैं और बिना धक्का मुक्की के सबको आसानी से राशन मिल जाता है। ये तरीका हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों के हित के लिए भी है, जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जब तक सरकार गवर्नमेंट का सहायता नहीं देंगे तो गवर्नमेंट हम लोग के लिए कब तक कुछ कर सकती है, और हम लोग के हिसाब से ये तरीका बहुत सही है, इससे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रहती है और हम लोग का इससे फ़ायदा ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं। इसके बारे में यही कहना है कि तरीका तो बहुत अच्छा है, इससे झगड़े भी नहीं होते हैं, दूरियां भी बनी रहती है, कोरोना से महामारी से उससे भी दूरी बनी रहती है। ये तरीका हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, वो अपने लिए नहीं किया, हम लोगों के लिए किए ये तरीका। छाते और मास्क की अनिवार्यता के बाद भी दुकान पर भीड़ न बढ़ जाए, इसके लिए वसीम अहमद रोजाना करीब 150 लोगों को एक दिन पहले ही टोकन नंबर बांट देते हैं, ताकि राशन लेने वही लोग आए जिन्हें पहले से टोकन मिला हो। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और उनकी इसी अपील को प्रयागराज के राशन दुकानदार वसीम ने अपनी नई तरकीब से जमीन पर उतार दिया। प्रयागराज से बीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।